स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th बीन स्टडी में चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ हमें किन टॉपिक पर डिस्कस करना है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर के बारे में और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कि इस चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ना है हमें कि दोनों का क्या रोल रहा है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन आते हैं और गवर्नमेंट कंपनी आती हैं। इसके अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर बात की जाए तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे उसके मीनिंग के बारे में, फीचर्स एंड विशेषताओं के बारे में, मेरिट और डिमेरिट यानी लाभहानि के बारे में और सुटेबिलिटी यानी ये कहाँ पर इस तरह का बिजनेस किया जाना उपयुक्त होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में, इसका क्या मीनिंग होता है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट डिमेरिट क्या है, सुटेबिलिटी क्या है इसकी। इसी प्रकार से गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी हम इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में, जो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है कि तीन प्रकार के टॉपिक इसमें दिए गए हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में पब्लिक सेक्टर का रोल किस प्रकार से बदल रहा है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और फिर इसके बाद हमें डिफरेंसेस देखने हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में क्या है। फिर इसके बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उनका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट डिमेरिट क्या है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, इसके क्या मीनिंग होती है, बेनिफिट और ड्रॉबैक्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम अपने पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इंटरप्राइजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने इसके लिए पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है और ज्वाइंट वेंचर होता है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल आज़ादी के से अभी तक रहा है, इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन में सामने दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत से बिजनेस इंटरप्राइजेस को नेशनलाइज किया गया था और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एस्टेब्लिश किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आए थे 1948 में, और उसके बाद में नए रेजोल्यूशन लेकर आए थे 1956 में, यानी दो बार लेकर आए हैं। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, उसके बाद में एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, और इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है इनका डोमिनेंट रोल होना चाहिए, मतलब कि वो अपने सेक्टर के लीडर होने चाहिए। मेनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, और अधिकतर जो क्षेत्र थे बिजनेस के वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए। एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन एटसेट्रा, और प्राइवेट सेक्टर को इन जगहों पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो कि लाइसेंस के रूप में थी या एक्सपेंशन की लिमिट के रूप में तय की गई थी। इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोल द प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री। इतने बाधाओं के बाद भी, इतने प्रतिबंधों के बाद भी प्राइवेट सेक्टर लगातार उन्नति करता रहा, आगे बढ़ता रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देता रहा। इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, इस कारण से जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा अपना योगदान इसके संबंध में नहीं दे सकता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर लिए गए थे। दैट इज़ वाई, इसी कारण 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को शामिल किया गया, जिसे हम उदारीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब इस 1991 का जो रिफॉर्म था, इस रिफॉर्म के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और
मेनी एंट्री बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड। बिजनेस शुरू करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर पर बैरियर्स लगाए गए थे उन्हें खत्म किया गया। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। और इसी प्रकार से उद्योगों को लगाने के संबंध में भी, इंडस्ट्रीज लगाने के संबंध में भी जो प्रतिबंध लगाए गए थे लाइसेंस के रूप में उन्हें हटा लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो देश की रक्षा और महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, अत्यधिक स्ट्रेटेजिक क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी जगह पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने इंडस्ट्री को शुरू कर सकता है। इसके संबंध में लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया गया। द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड। पहले जब 1948 और 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म हुए थे तब बहुत सारे सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था। 1991 के रिफॉर्म के द्वारा पब्लिक सेक्टर का जो एरिया था उसे कम कर दिया गया। द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वाज रेज्ड। जो बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए लिमिट MRTP एक्ट में लगाई गई थी। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट में एक्सपेंशन करने पर लगाए गए सीमाओं को संशोधित करके खत्म करने के समान कर दिया गया और सिर्फ गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन देना जरूरी कर दिया गया। इस प्रकार से कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सके, इस हिसाब से इसमें चेंजेस किए गए। इस चेंजेस के चलते हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होने लगा। द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज अंडरगोन ट्रिमेंडस चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत जबरदस्त बदलाव देखने को मिले और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पर कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर देख पा रहे हैं आप, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है इसे हम यहाँ देख सकते हैं। और इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, पार्टनरशिप फर्म आते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं। इनकी क्या खासियत थी, क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। यहाँ पब्लिक सेक्टर के संबंध में दिया गया है, इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं और गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज के संबंध में आती हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और डिफेंस, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इसलिए इन्हें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है। इनका जो हेड होता है वो इनका मिनिस्टर होता है, सेंट्रल मिनिस्टर। इसके बारे में पब्लिक कॉरपोरेशन में LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IDBI बैंक, RBI और एयर इंडिया को इसमें शामिल किया गया है। इनके लिए स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास किए गए हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं। इन गवर्नमेंट कंपनीज में जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, लेकिन आजकल इसमें भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है और पब्लिक को भी शेयर्स बेचे जाते हैं। इसमें गेल, सेल और BHEL को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनके क्या कौन कौन से फॉर्म थे। अब हम यहाँ देखेंगे फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को हम यहाँ देख सकते हैं कि तीन फॉर्म इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेचुरी कॉरपोरेशंस, और फिर इसके बाद में है गवर्नमेंट कंपनीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने जो चार्ट था उसमें देखा है इसके बारे में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे इतनी बात से देख के समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट की होती हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के रूप में भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट होता है। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सबसे पुराना फॉर्म है। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। इसका और सरकार में कोई अंतर नहीं होता, यानी ये जो डिपार्टमेंट है ये सीधे सरकार
के ही भाग माने जाते हैं। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं, इनका पूरा कार्य और उन पर नियंत्रण गवर्नमेंट के ही किसी मंत्री या उसके डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ हम उसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि रेलवे से रेल मिनिस्टर इसको डील करते हैं, डिफेंस को डिफेंस मिनिस्टर डील करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी इसी प्रकार से, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीफोन सर्विसेज के लिए भी उनके डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही इसके हेड होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है कि ए से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के ही किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या उसके मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, उसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल देख चुके हैं, जिसमें कि क्या क्या था, रेलवे था, डिफेंस था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीफोन सर्विसेज, ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में, इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। फर्स्ट है, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो गुड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की विशेषता ये होती है कि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, उस मंत्रालय का यानी मिनिस्ट्री का फुल कंट्रोल इनके ऊपर होता है। सेकेंड है, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देर इज नो सेपरेट एंटिटी। इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को सीधे सरकार का भाग माना जाता है, इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते रेलवे कोई अलग संस्था है, बल्कि जब रेलवे की बात होती है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा समझा जाएगा। थर्ड है, दे आर फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार के बिजनेस के लिए जो फंड की जरूरत होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने एनुअल बजट से ही इनके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि रेलवे का अलग से एक बजट पहले आता था और आजकल उसे सेंट्रल बजट के साथ में मर्ज कर दिया गया है और उसी बजट में रेलवे डिपार्टमेंट की जरूरतों की पूर्ति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड अवेलेबल कराया जाता है। फोर्थ है, द रेवेन्यूज आप डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा जो भी पैसा अर्न किया जाता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, यानी कि जिसे हम खजाना या कोषालय कहते हैं, सरकारी खजाना या कोषालय, ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, उसमें सीधे जमा कर दिया जाता है। फिफ्थ है, द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपेंसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी या स्टाफ होता है उसे सिविल सर्वेंट कहा जाता है, यानी कि वे सरकारी सेवक कहलाते हैं, और उनकी भर्ती यानी रिक्रूटमेंट और उनको मिलने वाला वेतन और उनके जो नियम है वो वही होते हैं जो सिविल सर्वेंट के लिए सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कार्य करने वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं और उन पर सरकारी कर्मचारी की भर्ती और उनके नियम लागू होते हैं। तो रेलवे कर्मचारी भी सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे, इसी प्रकार से जो डिफेंस के कर्मचारी हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाते हैं, पर वो सिविल सर्वेंट नहीं कहलाते, वो डिफेंस सर्वेंट कहलाते हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी होती है। सिक्स्थ, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जाता है, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट के लिए रेलवे बोर्ड बनाया गया है, तो उस रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट रेलवे डिपार्टमेंट को डील करता है और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन सीधे रेल मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, उसके लिए अकाउंटेबल है। सेवन पॉइंट है, दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एस वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी उसी प्रकार से केस कर सकती हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सरकार के ऊपर केस कर सकता है।
यानी उनके पास भी केस करने का अधिकार होता है, अपने हक के लिए वो कोर्ट में जा सकती हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3.1B, जहां पर मेरिट और एडवांटेजेस बताए गए हैं। तो फर्स्ट में हम यहां देख सकते हैं ईजी फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का फॉर्मेशन ईजी होता है। इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन जहाँ कंपलसरी होता है वहाँ पर हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना होती हैं, इसलिए उसको फॉर्मेशन को थोड़ा कठिन माना जाता है। जहाँ पर हमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है उसे ईजी फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि उसमें कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए उनके फॉर्मेशन ईजी थे। उसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा भी जब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के रूप में बिजनेस को शुरू किया जाता है तो वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे भी ईजी फॉर्मेशन कहा जाएगा। इसके बाद में है इफेक्टिव कंट्रोल। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंट्रोलिंग होती है वो सीधे सेंट्रलाइज होती है, इसलिए बहुत इफेक्टिव होती है। डायरेक्ट गवर्नमेंट का मिनिस्टर उसे मॉनिटर करता है, उसका कंट्रोल करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इनके द्वारा वर्क किया जाता है और जिस प्रकार से वो अपने पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं इसे तुरंत इन बिजनेस में अप्लाई कर दिया जाता है, इसलिए इनका कंट्रोल इफेक्टिव माना जाता है। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि जो फंड यानी पैसा, पैसे का अधिकतम उपयोग, सदुपयोग। देर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सेंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी पैसा जनरेट होता है वो कोई भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता है, उनके खर्च करने के संबंध में मिनिस्ट्रियल सेंक्शन लेना पड़ता है, बजट बनाए जाते हैं, उनकी अकाउंटिंग की जाती है और सबसे बड़ी विशेषता गवर्नमेंट का जो ऑडिटर है जिसे कि हम CAG कहते हैं, यानी एक ऐसी यूनिट जो कि सारी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें किस प्रकार से पैसा आया, किस प्रकार खर्च किया गया, सही ढंग से खर्च किया कि नहीं किया, इसकी जांच करती है, तो उनके द्वारा इनका ऑडिट किया जाता है। तो ऑडिट कंट्रोल के कारण जो फंड का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है और कोई भी कमी होती है तो इस ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा निकलती है, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में दूर किया जाता है। फोर्थ है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। देर इज डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। चूँकि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किए जाते हैं और गवर्नमेंट के जो भी कार्य होते हैं वो पार्लियामेंट में उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वहाँ पर डिसीजन लेते हुए इसमें जो भी कमियाँ होती हैं उन्हें दूर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है गवर्नमेंट को, और सारी बातें पार्लियामेंट में डिस्क्लोज करना पड़ती हैं, इसलिए कुछ भी छुपा कर करना संभव नहीं होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट सो देयर इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कोई भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो भी कार्य करता है उसके सभी कार्यों को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मानी जाती है, यानी जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो हर कार्य को यहाँ पर करते समय इस बात को ध्यान रखा जाता है कि इनके सारे कार्यों पर जनता की निगाह होती है, इसलिए कोई भी गलत कार्य न हो और पैसे की बर्बादी न हो। फिफ्थ है पब्लिक रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट सो दीज अंडरटेकिंग्स हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाता है वो सीधे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करता है, जिसका उपयोग गवर्नमेंट के द्वारा अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है, डेवलपमेंट वर्क के लिए भी किया जाता है। सिक्स्थ है सीक्रेसी। द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट एज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया
लाइक डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, आपको सभी को जानकारी होगी इस बारे में कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जानकारी लेने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी मांग सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाने वाले पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, इनके बिजनेस के संबंध में गवर्नमेंट अगर ये महसूस करती है कि कोई जानकारी दिया जाना देश की सुरक्षा के लिए उचित नहीं होगा, खतरे में डाल सकता है, तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट में देने से मना किया जा सकता है। इस प्रकार से सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे 3.1C में डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो सबसे पहला है जो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सबसे बड़ी कमी के रूप में सामने आया है, वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड टॉप ऑफिशियल्स। इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज। दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। तो जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि पार्लियामेंट में इस के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों के संबंध में डिस्कशन किया जाता है, डिस्कशन के कारण यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करके पार्लियामेंट में देना पड़ती हैं, इसलिए अलग अलग मिनिस्टर्स के ऊपर अलग अलग किस्म के प्रेशर होते हैं। टॉप ऑफिशियल्स इससे जानकारी इकट्ठा करने के लिए और देने के लिए मजबूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें पब्लिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है और पब्लिक की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कई सारे ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान वाले होते हैं, परंतु मजबूरी हम उन्हें करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं तो इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एफिशिएंसी घट जाती है, उनके द्वारा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस कम हो जाते हैं और उन्हें मजबूरी में वो कार्य करना पड़ते हैं जो किसी बिजनेस के लिए उचित नहीं माने जाते। सेकंड है लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास में जो भी पैसा आता है उसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डायरेक्ट डिपॉजिट करना होता है। यदि इन अंडरटेकिंग के द्वारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया जाता है, खूब प्रॉफिट अर्न किया जाता है, तो इसके जो स्टाफ है उसे किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता। इंसेंटिव के अभाव में इन कर्मचारियों के द्वारा उस प्रकार से कार्य नहीं किया जाता जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिव मिलने पर वो बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। इस सब कमी के चलते यहाँ पर कर्मचारी सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने की ज़रूरत उनकी जॉब को सिक्योर करने के लिए होती है। देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड, क्योंकि उनकी मेहनत का उनके रिवार्ड से कोई रिलेशन नहीं होता। जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत होती है कि यहाँ पर जो प्रमोशन होते हैं वो सीनियरिटी के आधार पर होते हैं। सीनियरिटी से तात्पर्य है जो व्यक्ति किसी पोस्ट पर पहले अपॉइंट होता है उसका प्रमोशन पहले होगा, जो बाद में अपॉइंट होगा उसका प्रमोशन बाद में होगा, भले ही बाद वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो इस कारण से हम ये देख सकते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति के एफिशिएंट होने का, उसके ज़्यादा काबिल होने का उसको कोई स्पेशल बेनिफिट प्राप्त नहीं होता है, सभी पर एक समान नियम लागू होते हैं, इसलिए कर्मचारी सेल्फ मोटिवेटेड होकर कार्य नहीं करते हैं और उनकी बेस्ट एबिलिटी सामने नहीं आ पाती। इस कारण में थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दीज हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। इट हैज नो इंडिपेंडेंस ऑन फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजिंग फंड्स इन इट्स ओन वे। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को अपना सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करना होता है, इस पैसे को खर्च करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। इस पैसे को खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम को लगाया गया है जिसमें कि
किसी भी कार्य करने के लिए बजट से सैंक्शन किया जाता है, उस सैंक्शन किए गए बजट के आधार पर ही पैसा अपने लिए वो खर्च कर सकते हैं, यानी कि जो पैसा उनके द्वारा कमाया जाता है उसे खर्च करने की उनको कोई आज़ादी प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसमें से सरकार जितना पैसा उन्हें खर्च करने के लिए देगी केवल उतना ही पैसा वो अपने लिए खर्च कर सकते हैं। तो इस कारण से वो चाहकर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते और उनके द्वारा अर्न किया गया पैसा गवर्नमेंट के द्वारा अन्य कार्यों में यूज किया जाता है। फोर्थ है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री। दे कैन बी ट्रांसफर एनी टाइम। एज अ रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशेंसी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और इन गवर्नमेंट अधिकारियों के पास में टॉप लेवल पे कार्य करते समय ओवरबर्डन होता है पेपर वर्क का, उनको बहुत सारे कागजी कार्रवाइयाँ करना होती है, तमाम तरह के पेपर तैयार करना होते हैं, उन पर सिग्नेचर करना होते हैं, उनकी स्क्रूटनी करना होती है, जाँच करना होती है और उन्हें पे अपनी टीप लिखकर आगे बढ़ाना होता है। इस प्रकार से उनका बहुत सारा समय पार्लियामेंट के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर तैयार करने में चला जाता है। इस कारण से जब उनको इन बिजनेस की ओर फोकस करना चाहिए उनका पास समय नहीं होता है, तो इस प्रकार से उनका मैनेजमेंट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। इन ऑफिशियल्स को किसी भी समय गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कभी भी ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक साल में कई कई बार ट्रांसफ़र भी किया जाता है। इस प्रकार से जब स्थिति होती है तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंसी के साथ किस प्रकार से काम कर सकता है, क्योंकि उसको तो हरदम यही लगा रहेगा कि मेरे पास तो दूसरे काम है जिन्हें कि पहले करना जरूरी है, तो इसलिए इसको मैं बाद में देखूँगा और बाद में देखने के लिए समय नहीं होता है। इस कारण से जहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने बेनिफिट के लिए तुरंत डिसीजन की जरूरत होती है वहाँ पर डिले डिसीजन किए जाते हैं, जिसके चलते प्रॉफिट अर्न करने के मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसके बाद में है फिफ्थ पॉइंट रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म ऐसे हम लाल फीता शाही भी कहते हैं और ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकर शाही। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रिफर्स टू डिले इन डिसीजंस ड्यू टू मेनी फॉर्मेलिटीज। द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, प्रोसीजर्स एट्सेट्रा। इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन विच आर सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज हैव नो प्लेस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, ये दिया गया है कि लाल फीताशाही और नौकरशाही के चलते इन सिस्टम में बहुत सारी फॉर्मेलिटियाँ रखी गई हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए इस पूरी फॉर्मेलिटीज़ का जो सीक्वेंस बनाई गई है उसे फॉलो किया जाना जरूरी होता है। इसमें बहुत सारा समय खर्च हो जाता है, कई बार अधिकारियों का ना होना उनका इस कार्य में इंटरेस्ट न लेने के कारण ये डिले होते रहते हैं और इस प्रकार से जब हमें ज़रूरत होती है कि इमीडिएट एक्शन लेने की या कोई बड़ा जोखिमपूर्ण कार्य करने की या कोई इनोवेशन करने की, उस वक्त बिजनेस एंटरप्राइज ग्रोथ कर सकता है, लेकिन इनके द्वारा इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए जाते हैं जिससे कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बेनिफिट कमाने के जो मौके होते हैं उन्हें गवा देती है और अक्सर घाटे में चलती हुई देखी जा रही हैं। सुटेबिलिटी, यहाँ पर बताया गया है कि किन जगहों पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को यूज़ किया जाना चाहिए, इनका उपयोग उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट है वेरी अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की आवश्यकता हो, गोपनीयता की आवश्यकता हो, जैसे कि रक्षा विभाग, जहाँ पर कि दुश्मन देश के साथ में हमारी किस प्रकार की तैयारी है, वो किस प्रकार से हमारे खिलाफ एक्शन लेगा तो हम क्या जवाब देंगे और किस प्रकार से अपने महत्वपूर्ण संस्थाओं की रक्षा की जाएगी, ये सारी बातें छुपा कर रखना जरूरी होता है। इसके लिए डिफेंस सेक्टर हमारे देश में है, जहाँ पर कि ये माना गया है कि इसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंतर्गत ही होना चाहिए, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता। सेकंड है वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी लाइक ब्रॉडकास्टिंग।
यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग से तात्पर्य हम देख सकते हैं जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर कि प्राइवेट सेक्टर को फुल कंट्रोल अगर दे दिया जाए तो गवर्नमेंट के उनके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, जबकि वो देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनमें भी गवर्नमेंट ने अपना योगदान रखा हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं कि रेडियो के संबंध में, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो काम करता है, विविध भारती कार्य करता है। इसी प्रकार से टेलीविज़न के संबंध में दूरदर्शन के चैनल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जानकारी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूरदर्शन पर मन की बात प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और गवर्नमेंट की जो जानकारी है वो प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड है, वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि एयरलाइंस का सेक्टर है, आयरन स्टील सेक्टर है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं होता है, तब गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाना चाहिए। फोर्थ है, अंडरटेकिंग इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जिस जगह पर पैसा कमाने का सोर्स बनता है वहाँ पर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होनी चाहिए, जैसे कि रेलवे से जहाँ पर कि जो भी पैसा कमाया जाता है ट्रेन के द्वारा, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, वो सीधा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हो जाता है, जिसका कि वो अपने इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर इनको बनाकर रखा जाना चाहिए। इसके आगे का जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।